सामने देखिए डियर खड़ा हुआ है। देखिए सामने आप देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे, ये देखिए दोस्तों, अब ये खाई खुद चुकी है। सिर्फ ये जानवरों के लिए खोदी गई है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल इधर गांव की वो ना आए। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रमेश। और दोस्तों देखिए, आज अभी दिन का बजा है अभी 9:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल की ओर दोस्तों। और दिखाते हैं आपको आज का जंगल रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए यहाँ का जिम कॉर्बेट से ही लगा यह जंगल, पॉलगढ़ का ये जंगल दोस्तों। और दिखाते हैं, देखिए गांव आगे, पॉलगढ़ का गांव। और चलते हैं आगे और देखते हैं आज क्या माहौल बनता है दिन में जंगल का। और चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आज जंगल। और दोस्तों देखिए, ये है पॉलगढ़ की रोड। पॉलगढ़ की रोडों में भी काफ़ी वाइल्ड एनिमल की साइटिंग होती है दोस्तों, क्योंकि जिम कॉर्बेट से सीतामढ़ी के जंगल इससे लगे हुए हैं और यहाँ भी काफ़ी वाइल्ड एनिमल होते हैं, दिखाई देते हैं, रोड क्रॉसिंग करते हैं हमेशा। और देखिए आजकल जंगलों में काफ़ी आग लगी है दोस्तों। आजकल जंगलों में जलती हुई बीड़ी सिगरेट बिल्कुल ना फेंके। अगर आप रोड जा रहे हैं, ऑन रोड ऑन द वे, तो कभी आसपास में जलती बीड़ी या सिगरेट ना फेंके, जिससे वन संपदा को नुकसान हो। और देखिए काफ़ी यहाँ का जंगल काफ़ी डेन फॉरेस्ट है यहाँ का भी, पॉलगढ़ का। और मैं भी चल रहा हूँ, देखिए पॉलगढ़ को ऊपर को जा रहा हूँ, पॉलगढ़। और दिखाता हूँ, देखिए पहले मणकंठपुर आता है, फिर पॉलगढ़ आता है। और चल रहे हैं देखिए हम आगे, यहाँ का जंगल देखिए पूरी आग लगी है इधर दाएं बाएं रोड साइड में। बिल्कुल ऐसे आग ना लगाएं, देखिए जंगल रोड साइड बिल्कुल जलती तिल्ली ना डालें, जलती बीड़ी सिगरेट बिल्कुल ना फेंकें। ये पॉलगढ़ का जंगल, यहाँ पर एलिफेंट काफ़ी है दोस्तों, इन एरियाओं में काफ़ी एलिफेंट है। और देखिए यहाँ पर लेपर्ड और बाघ भी काफ़ी दिखाई देते हैं कितनी बार यहाँ पर रोड क्रॉसिंग में। और देखिए आज मैं जा रहा हूँ पॉलगढ़ के जंगलों, पॉलगढ़ की ओर, और आपको दिखाते हैं आज जंगलों। देखिए ये लेफ्ट और राइट आप पूरा जंगल देख रहे हैं, और जंगलों को बचाना सभी का काम है दोस्तों। देखिए जंगल काफ़ी बहुमूल्य रत्न समझिए आप इसे यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी ऑक्सीजन देते हैं हमें। और बिल्कुल जंगलों का नुकसान बिल्कुल ना करें। ये देखिए ये पूरा जंगल एरिया इधर आप देख रहे हैं, देखिए लेफ्ट और राइट, और काफ़ी एनिमल है यहाँ पर, काफ़ी वाइल्ड लाइफ है इस एरियाओं में। पॉलगढ़ के जंगलों में काफ़ी एलिफेंट का ग्रुप है दोस्तों। देखिए हम जा रहे हैं सीधे पॉलगढ़ मणकंठपुर की ओर। देखिए दोस्तों, मैं अभी राइट साइड में मुड़ चुका हूँ, जहाँ पर देखिए दोस्तों इस देखिए खाई खुद चुकी है। गांव का एरिया है पॉलगढ़ का, तो खाई से काफ़ी नुकसान बचेगा इधर जंगली जानवरों का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी देखिए गेहूं का नुकसान, खेती का काफ़ी नुकसान, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी एग्रीकल्चर भूमि है इधर पॉलगढ़ में। ये देखिए इधर आप देख रहे होंगे, इधर पूरा है, तो इधर ये जंगली जानवर काफ़ी यहाँ नुकसान करते हैं। देखिए सोलर फेंसिंग भी लगाई थी यहाँ पर, और ये आप देखिए इधर खाई खुद चुकी है। देखिए अब इससे काफ़ी जंगली जानवरों का कम नुकसान होगा इधर खेतों को। देखिए लोग ये दीवार भी दी है, देखिए आप, और उसके बाद से सोलर फेंसिंग लाइट भी लगाई हुई है देखिए। और इस साइड में होटल भी काफ़ी है दोस्तों पॉलगढ़ में। कभी आपको होटल अगर ना मिले तो आप पॉलगढ़ भी सर्च कर सकते हैं होटल के लिए। ये देखिए इधर पूरा एग्रीकल्चर भूमि है, देखिए अंदर को, ये देखिए सारा गांव है इधर, और इधर जंगल है। और जंगल का एरिया दोस्तों, यहाँ काफ़ी वाइल्ड एनिमल वाल का काफ़ी मूवमेंट होता है इस गाँव में भी, पॉलगढ़ के गाँव में भी काफ़ी वाइल्ड जंगली। देखिए यहाँ पर आग ये जलाते हैं रात के समय में, देखिए गेहूँ है, ये देखिए अभी गेहूँ पका नहीं है, कच्चे हैं देखिए गेहूँ। यहाँ पर आग भी ये जलाते हैं कि जंगली जानवर ना आए करके, लेकिन अब काफ़ी सेफ हो गया देखिए, क्योंकि खाई खुद चुकी है पूरे जंगलों में। ये देखिए गाँव के किनारे किनारे, तो काफ़ी ये भी वाइल्ड एनिमल से काफ़ी प्रभावित ये गांव है, और काफ़ी नुकसान होता है यहाँ बंदरों का, नील गाय और हिरन डियर का।
वाइल्ड लाइफ प्रभावित ये गांव है पौलगढ़ और मरकंटपुर, क्योंकि ये बिल्कुल जंगल से लगे हुए गांव हैं। ये देखिए दाएं बाएं आप देख रहे हैं, पूरे जंगल जंगल ही जंगल है यहाँ पर ये। और अब यहाँ पर खाई खोद चुकी है, देखिए इधर इस साइड में जंगल की साइड, ये देखिए इधर इधर कोई इधर सामने। तो अब यह कम नुकसान हुआ क्योंकि ये जंगल जंगली जो वाइल्ड लाइफ है वो कम आएगी इधर गांव साइड में, नहीं तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान रहता है गांव का। गांव में जंगली जानवर बहुत ही नुकसान करते हैं, गेहूँ के काफ़ी नुकसान करते हैं। और दोस्तों जो भी जंगल से लगे गांव हैं, जिम कॉर्बेट से सटे हुए ये जंगल हैं, उन्हीं जंगलों से लगे हुए गांव हैं, यहाँ पर काफ़ी वाइल्ड एनिमल का गांव में काफ़ी मूवमेंट रहता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है फसल को, जैसे गेहूं धान मक्का। तो हिरन और ये हाथी काफ़ी यहाँ पर नुकसान करता है इन गांव में। तो देखिए आप खाई खुदने से, देखिए मैं आपको मैंने दिखाई पीछे कि खाई खुद चुकी है, अब कम यहाँ नुकसान होगा। सोलर फेंसिंग जो तार है आप देख रहे हैं वो भी तोड़ देते हैं जानवर, हाथी तोड़ देता है। तो अब ये खाई खुद चुकी है, काफ़ी नुकसान कम होगा। और ये जितने भी गांव हैं ये सारे जंगली जानवरों में इसका काफ़ी नुकसान है इन गांव में। पौलगढ़ हो गया, मरकंडपुर हो गया, और टेढ़ा हो गया, ढिकाला ढेला हो गया, इस साइड ढेला साइड हो गया, ये सारे जंगल जो हैं ये काफ़ी उनसे प्रभावित गांव हैं पूरे। तो मैं आज हूँ पौलगढ़ में दोस्तों, देखिए और मैं दिखाता हूँ, देखिए ये खाई खुदी है, अब इससे कम काफ़ी कम नुकसान हो जाएगा जंगली जानवरों का। दोस्तों अब ये खाई खुद चुकी है, सिर्फ ये जानवरों के लिए खोदी गई है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल इधर गाँव की वो ना आए। और ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी खाई खोदी गई है, और ये देखिए इधर गेहूं है, ये काफ़ी यहाँ पर से काफ़ी जंगली जानवरों का मूवमेंट रहता है गांव में। देखिए हाथी हिरन और नील गाय का देखिए इधर, और ये है पौलगढ़ का गांव दोस्तों, बिल्कुल देखिए जंगल से लगे ये खेत हैं और काफ़ी फसलों का नुकसान करते हैं जंगली जानवर। तो ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है अब, क्योंकि काफ़ी अब वाइल्ड एनिमल कम आएंगे इस साइड में गांव में। देखिए एक गेहूँ देखिए यहाँ का, और इधर ये गांव हो गया, और देखिए इसमें दीवार भी दी हुई है, ये देखिए कितनी बार ये दीवार हाथियों द्वारा तोड़ी गई है, देखिए ये देखिए फिर बनाई गई है, देखिए ये आप देख रहे हैं, देखिए नई ये देखिए ये इतनी दीवार देखिए नई बनी हुई है 5-6 फीट की पूरी, ये देखिए कि सामने देखिए डियर खड़ा हुआ है, देखिए सामने आप देख रहे होंगे, देखिए ये देखिए सामने आप देख रहे होंगे, ये देखिए दिन में भी आ जाते हैं इधर जंगल में गांव की ओर, देखिए सामने आप देख रहे हैं बिल्कुल बारहसिंगा है खड़ा हुआ है, देखिए बिल्कुल इधर काफ़ी पीकॉक भी है दोस्तों, काफ़ी साउंड आ रही है पीकॉक की। और दोस्तों अब चल दिए हम आगे को, देखिए बिल्कुल जंगल से लगे हुए और गांव, ये देखिए दीवार आप देख रहे हैं, देखिए ये रोड देखिए एडवेंचर रोड आप देख रहे हैं यहाँ, देखिए और ये पूरा गांव देखिए इधर, ये आम और लीची के बगीचे आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए देख रहे हैं आप ये दीवार, ये वाइल्ड एनिमल देखिए जंगली जानवरों के लिए ये दीवार देखिए, और इसके बाहर से आप देख रहे हैं सोलर फेंसिंग तार भी लगी हुई है, ये देखिए पूरी तार लगी हुई है कि हाथी या कोई भी जानवर से तोड़ ना सके दीवार को, ये देखिए।
जंगल के बीच में ये गांव है दोस्तों, पॉलगढ़ गांव भी काफी, चारों ओर जंगल है देखिए। और यहाँ काफ़ी होटल और रिजॉर्ट भी हैं काफ़ी बने हुए, और देखिए आप दीवार कितनी बड़ी लगी हुई है और सोलर फिनिशिंग भी लगाई है, तार देखिए आप, ये देखिए। देखिए जंगली जानवर खेतों की तरफ ना आए करके देखिए आप इतनी ये किया हुआ है देखिए। और देखिए इधर यहाँ पर देखिए दोस्तों लेडीज बना रही है लकड़ियाँ, और ये ग्रुप बना के देखिए, ऐसे ग्रुप बना के लकड़ियाँ आप तोड़ सकते हैं। देखिए कभी टाइगर अटैक या लेपर्ड अटैक नहीं करेगा, ये देखिए पूरा ग्रुप बना है यहाँ पर, देखिए रोड साइड में ये लकड़ी तोड़े हैं, ये देखिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।